to my channel. So here is my another video, that is twin pregnancy or multifetal pregnancy. So obstetric में ये भी बहुत important topic रहता है about twin pregnancy, और उसको multifetal pregnancy भी बोलते हैं, multiple gestation भी बोला जाता है उसे. So we will study what is twin pregnancy, ठीक है, what are twins, what are the types of twin pregnancy, how it occurs, what are the steps that take place. So we'll see this in part first. So we'll start with the introduction. Introduction says that कि एक uterus में जब more than one fetus develop होता है, that is called twin pregnancy, ठीक है. तो इसमें आपकी multifetal pregnancy भी बोला जाता है, because इसमें more than one fetus आ रहा है तो it becomes multifetal. और इसके types होते हैं कि it may be twins, ट्रिपलेट, क्वाड्रपल्स, ठीक है, क्विंटपल्स एंड सेक्सटपल्स, ठीक है. तो ट्विंस क्या होता है? ट्विंस मीन्स कि दो फीटस साइमल्टेनियसली डिवेलप कर रहे हैं इन द यूटरस ऑफ द फीमेल, ठीक है. और ये सबसे मोस्ट कॉमन वेराइटी होती है मल्टीफीटल गेस्टेशन. लाइक 94% अगर आपके मल्टीफीटल गेस्टेशन हो रहा है तो उसमें आपको सबसे ज़्यादा ट्विंस देखने को मिलते हैं. तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है, ये कैसे होती है मल्टीफीटल प्रेगनेंसी, क्योंकि यूजुअली हम सिंगल ट्विन प्रेगनेंसी देखते हैं, तो वो मल्टीफीटल कैसे होती है? तो इसमें क्या है, या तो एक या तो दो फर्टिलाइजेशन इवेंट्स होंगे. फर्टिलाइजेशन क्या होता है? व्हेन द स्पर्म मीट्स द ओवा. तो या तो सिंगल फर्टिलाइजेशन इवेंट होगा या फिर मल्टीपल या फिर मोर, ठीक. इसमें सिंगल फर्टिलाइजेशन अगर हो रहा है तो उसमें फर्दर क्या होगा, जो जायगोट होगा उसका क्लीवेज हो जाएगा, तो स्प्लिटिंग हो जाएगी. एंड थर्ड में क्या होगा, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, या फिर फर्टिलाइजेशन अलग हो सकते हैं या फिर अगर सिंगल हो रहा है तो उसमें भी वो डिवाइड हो गया, ठीक है. फर्टिलाइजेशन क्या होता है, अगर दो अलग अलग ओवा का होता है तो उसमें डायजाइगोटिक, फ्रेटर्नल या फिर बाय ओविलर ट्विंस डेवलप होते हैं, ठीक है, अगर हमारे दो अलग अलग ओवा है. अगर हमारे सिंगल ओवा में और अगर वो फर्दर डिवाइड हो रहा है, दैट इज़ मोनोजाइगोटिक और आइडेंटिकल और यूनिओविलर ट्विंस. यूनिओविलर मीन्स सिंगल ओवम एंड बायोविलर मीन्स टू ओवम, ठीक है. तो या तो देखिए, जो अगर प्रेगनेंसी अगर हो रही है उसमें इन दो ही चीज़ों की वजह से वो मल्टीफीटल हो जाती है, ठीक है. तो इसमें मैकेनिज्म देखिए, एक एग, एक स्पर्म मीट अप हुआ और आगे क्या हुआ, उसका क्लीवेज हो गया, तो वहाँ पर से टू डिफरेंट जायगोटिक सेल्स बनी जिसमें प्लेसेंटा सेम है बट एमनियोटिक सेक्स जो हैं वो अलग अलग हैं. तो दैट इज़ योर आइडेंटिकल ट्विन. बट इधर क्या है, दो अलग अलग स्पर्म है, दो अलग अलग ओवा है, ठीक है. तो क्या हो रहा है, ऐसे वाले जो फीटस होते हैं वो तो कन्फर्म एक ही डिवाइड है, दो अलग अलग है, बट उनके पास जो प्लेसेंटा है वो अपना अपना सेपरेट भी होता है, तो इसीलिए उनको फ्रेटर्नल ट्विन्स बोला जाता है. उसके बाद है रिलेटिव ट्विनिंग कैसी होती है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्विनिंग कैसी है. देखिए, अगर डायजाइगोटिक ट्विन है तो 80% चांसेस है कि डायजाइगोटिक ट्विन है, ठीक है. 20% चांसेस होते हैं मोनोजाइगोटिक ट्विन के, ठीक है. 6-7% चांसेस होते हैं डाइकोरियोनिक, डाइएमनियोटिक, ठीक है. ये टर्म्स मैं आपको बताती हूँ. पहले डाइकोरियोनिक मीन्स कि दो कोरियोन प्रेजेंट होते हैं, एंड डाइएमनियोटिक मीन्स कि दो एमनियोन प्रेजेंट होते हैं, ठीक है. और अब आता है मोनोकोरियोनिक, डायएमनियोनिक, यानी कि एक ही कोरियोन लेयर होगी बाहर पे और अंदर से दो एमनियोन होंगे, जो मैंने अभी आपको उसमें दिखाया था, किसमें, आइडेंटिकल ट्विंस में. और जो डायकोरियोनिक डायएमनियोटिक है वो फ्रेटर्नल ट्विंस में दिखाया था कि अपना अपना सब कुछ. एक होता है मोनोकोरियोनिक, मोनोएमनियोनिक, कि मोनो एक ही कोरियोन की लेयर होगी और एक ही एमनियोन की लेयर होगी. तो जो हमारे प्रॉपर डायजाइगोटिक ट्विन है, डायकोरियोनिक और डायएमनियोटिक वाले, वो 6-7% चांस होते हैं, उसमें 30% मोनोजाइगोटिक वाले होते हैं. मोनोकोरियोनिक डायएमनियोटिक जो होते हैं वो 13-40% होते हैं, 70-75% वो मोनोजाइगोटिक होते हैं, ठीक है. मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक 1% होते हैं उनके होने की फ्रीक्वेंसी, इसमें वो 1-2% मोनोजाइगोटिक होते हैं. और कंजॉइंट ट्विन जो होते हैं वो 0.002-0.008% की फ्रीक्वेंसी पे होते हैं. अब देखिए ये होते कैसे, इसके लिए दो मेन आपके मैकेनिज्म आते हैं, एक आता है सुपरफिटेशन, एक आता है सुपरफिकंटेशन, ठीक है. सुपरफिटेशन में क्या होता है कि जो ओव्यूलेशन और फर्टिलाइजेशन होता है वो सिंगल ओवम का एक सिंगल प्रेगनेंसी में हो जाएगा, ठीक है. बट जो सुपरफिकंटेशन होता है उसमें दो
ओवा का फर्टिलाइजेशन हुआ विद इन सेम मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है, मगर कॉइटस सेम नहीं होता। सुपरफिटेशन में क्या है कि ओवा जो है फर्टिलाइज हो रहा है तो वो सिंगल कॉइटस में फर्टिलाइज हो रहा है इन द सेम प्रेगनेंसी। बट सुपर फिकंडेशन में क्या होता है कि दो ओवा फर्टिलाइज होते हैं सेम साइकिल में बट कॉइटस सेम नहीं होता है, वन एट अ टाइम, ठीक है। फिर इसके इंसिडेंट्स में सबसे पहले हेलेंस रूल आता है, हेलेंस रूल हेलेन ने दिया था इन 1895। तो इसमें क्या है, उन्होंने मैथमेटिकल फ्रीक्वेंसी दिखाई थी ऑफ मल्टीपल ट्विन, ठीक है। तो उसमें देखिए अगर ट्विंस हो रहे हैं तो 1 in 80, ठीक है, प्रेगनेंसीज में ट्विन होंगे। अगर ट्रिपलेट्स हो रहे हैं तो 1 in 80 का होल स्क्वायर उस प्रेगनेंसी में आपके ट्रिपलेट्स होंगे। क्वाड्रप के लिए क्या हो जाएगा, 1 in 80 to the power 3, ठीक है। तो ऐसे ही चलता रहेगा। फिर मोनोजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं, रिलेटिवली कॉन्स्टेंट है, 1 in 250 बर्थ, तो वो मोनोजाइगोटिक होंगे, ठीक है। ये क्या है, ये सारे डेमोग्राफिक फैक्टर्स से इंडिपेंडेंट होते हैं, किसी फैक्टर पे डिपेंड नहीं होता है एक्सेप्ट ART, ठीक है। उसके बाद डायजाइगोटिक ट्विन, डायजाइगोटिक ट्विंस क्या होते हैं कि ये रेस, हेरिडिटी, मेटर्नल एज और पैरिटी से अफेक्ट होते हैं। अब देखिए फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्विनिंग, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो ट्विनिंग को अफेक्ट करते हैं। सबसे पहला आता है डेमोग्राफिक, डेमोग्राफिक में आता है रेस, ठीक है। जो ब्लैक्स होते हैं उनमें इनकी टेंडेंसी ज़्यादा रहती है, लोएस्ट एंड मंगोल्स, ठीक है। जियोग्राफिकल एरिया क्या है, नाइजीरिया में सबसे ज़्यादा, 1 in 20 प्रेगनेंसी ट्विन प्रेगनेंसी। लोएस्ट इन फार ईस्टर्न कंट्रीज लाइक जापान, 1 in 200 प्रेगनेंसीज, और इंडिया में 1 in 80 प्रेगनेंसी, ठीक है। क्योंकि इसमें जो है FSH जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन होता है उसकी जो वेरिएबिलिटी होती है, ठीक है, उसका लेवल जो होता है वो वेरी करता है, इस वजह से ट्विनिंग भी वेरी करता है। दूसरा है मेटर्नल एज, मेटर्नल एज में क्या है कि 4-fold फ्रॉम एज ऑफ 15 to 37 years, यानी कि इसके बीच में जैसे 4-fold के बाद ट्विनिंग जो रहती है उसके चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो फर्टिलिटी कम हो रही होती है, मगर मतलब फर्टिलिटी कम होती है तो ट्विनिंग के रेट बढ़ते चले जाते हैं एडवांस मेटर्नल एज के साथ, जो रहता है ईजीली जायगोट जो सेल है वो क्या कहते हैं स्प्लिट हो जाता है। पैरिटी में क्या है कि जैसे जैसे पैरिटी बढ़ेगी पिशन की वैसे वैसे क्या होगा, ट्विनिंग का रेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। हेरिडिटी, हेरिडिटी जो होता है कि मैटर्नल हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें, ठीक है। अगर मदर वॉज अ ट्विन तो 1 in 58 प्रेगनेंसी यानी कि रेशियो में मतलब ये जो ट्विनिंग रहती है ये मैटर्नल साइड से ज़्यादा डोमिनेंट रहती है। अगर मैटर्नल साइड में ट्विनिंग मतलब ट्विंस ज़्यादा रहे हैं या रहे भी हैं एक आध भी, तो जो है ट्विंस होने के चांसेस होते हैं। ये पैटर्नल फैक्टर पे डिपेंड नहीं करते कि फादर के फैमिली में भले ही बहुत सारे ट्विन हैं बट उससे प्रेगनेंसी कभी अफेक्ट नहीं होती कि ट्विन होने के चांसेस नहीं आते, ठीक है। तो न्यूट्रिशन, ठीक है, जो ग्रेटर न्यूट्रिशनल स्टेटस है और मैटर्नल वेट अगर ज़्यादा है तो रिस्क फैक्टर है, ठीक है। जैसे कि जो फीमेल्स होते हैं जो सप्लीमेंट्री फॉलिक एसिड ले रही हैं तो उनमें भी ट्विनिंग ट्विन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। देन कम्स पिट्यूटरी गोनेडोट्रोफिन, ठीक है, अगर गोनेडोट्रोफिन अगर ज़्यादा हैं तो ट्विनिंग के चांसेस भी उतने डेवलप होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि जो ओबीज, ब्लैक, एडवांसिंग एज या फिर जो OCP फर्स्ट मंथ में स्टॉप कर देते हैं तो उनमें जो है क्या है प्रेगनेंसी जो है वो ट्विन प्रेगनेंसी होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। फिर इनफर्टिलिटी थेरेपी, इनफर्टिलिटी थेरेपी में हम क्या करते हैं, ओव्यूलेशन इंडक्शन विद क्लोम्पिफीन, ठीक है, हम इसमें ओव्यूलेशन मेडिसिन से इंड्यूस कराते हैं FSH से, ठीक है। तो इसमें क्या है जो ट्विंस है वो 28.6% ज़्यादा रहे हैं, ठीक है। तो IVF जब हम ज़्यादा एम्ब्रियो ट्रांसफ़र करते हैं तो मल्टीफीटल गेस्टेशन के भी बहुत चांसेस होते हैं, ठीक है। अब आते हैं हमारे जायगोसिटी एंड कोरियोनिसिटी। साइगोसिटी क्या होता है कि कौन सी टाइप का कंसेप्शन है, ठीक है, सिंगल है या डबल है। कोरियोनिसिटी की प्लेसेंटा कितना है, ठीक है। सेक्स में क्या है कि अगर जो ट्विन है अगर वो अपोजिट सेक्स की हुई तो वो डायजाइगोटिक ही होते हैं मोस्टली, ठीक है। और अगर ट्विन्स जो है सेम सेक्स के होते हैं तो वो मोनोजाइगोटिक होते हैं, डायजाइगोटिक भी हो सकते हैं, ठीक है। बट अगर वो डिफरेंट सेक्स के तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी उनकी डायजाइगोटिक में जाती है। फिर आता है प्लेसेंटा,
जो डायजाइगोटिक ट्विंस का प्लेसेंटा होता है वो डाइकोरियोनिक प्लेसेंटा होता है, और जो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं उनका प्लेसेंटा मोनो भी हो सकता है और डाइकोरियोनिक भी हो सकता है। ठीक है, फिर आता है हाँ पर हमें कैसे पता कोरियोनिसिटी, कैसे हम डिटरमाइन करेंगे। ठीक है, तो कोरियोनिसिटी का एक्यूरेट डिटर्मिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है प्रेगनेंसी है कौन सी। ठीक है, तो हम इसको सोनोग्राफी से पता करवाते हैं सबसे पहले, और इसकी एक्यूरेसी जो होती है फर्स्ट ट्रेमेस्टर में बहुत ज़्यादा होती है, लाइक अप टू 98% आपको फर्स्ट ट्रेमेस्टर में पता चल जाएगा। ठीक है, कि प्रेगनेंसी सिंगल फीटस की है या मल्टीपल। और ये क्या होता है, जैसे जैसे गेस्टेशनल एज बढ़ती जाती है तो इसकी एक्यूरेसी कम होती चली जाती है। ठीक है, सेकेंड ट्रेमेस्टर में 90% हो जाती है, और ये फर्स्ट जो अर्ली फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें क्या होता है, दो सेपरेट गेस्टेशनल सैक यानी जी सैक बोलते हैं हमें, तो वो हमें अपीयर हो जाते हैं। ठीक है, जो डाइकोरियोनिक होता है, मीन्स तो इससे हमें पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी जो है वो मल्टीफीटल प्रेगनेंसी है। ठीक है, उसके बाद 10 to 14 weeks के बाद के प्लेसेंटल मास दिखते हैं, अगर दो अलग अलग प्लेसेंटा है तो वो डाइकोरियोनिक है। ठीक है, उसके बाद जो सैक जो डिवाइड होते हैं उनके बीच में थिकनेस कितनी है, अगर वो 2 mm से कम है तो वो क्या है, डाइकोरियोनिक है। ठीक है, उसके बाद क्या है, प्रेजेंस ऑफ इंटरवीनिंग मेम्ब्रेन। इंटरवीनिंग मेम्ब्रेन क्या होती है, सेपरेशन मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इंटरवीनिंग मेम्ब्रेन की प्रेजेंस, अगर डाइकोरियोनिक प्रेगनेंसी है तो उसमें 2 एमनियन और 2 कोरियन होंगे, तो आपको उसमें डबल डबल लेयर्स दिखाई देंगी। ठीक है, फीटल जेंडर, अगर डिफरेंट जेंडर है तो वो डाइकोरियोनिक ही जाता है, यानी कि डाइजाइगोटिक प्रेगनेंसी में जाता है। फिर हमको कोरियोनिसिटी हम कैसे डिटरमाइन करते हैं, तो हम ट्विन पीक साइन देखते हैं, डेल्टा साइन भी बोलते हैं उसे और लैम्डा साइन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, एक ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन आती है, जिसमें नीचे इमेज में दिख रही है ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन आती है प्लेसेंटल टिश्यू की, जो क्या करती है, जो डिवाइडिंग मेम्ब्रेन्स के बीच में से बहुत शॉर्ट डिस्टेंस पर होती है, तो वहाँ पर हमें एक ट्रायंगल सा फॉर्म होता हुआ दिखाई देता है। ठीक है, और दूसरा होता है टी और इन्वर्टेड सी टी साइन। तो इन्वर्टेड टी साइन में क्या होगा कि इसमें कोई भी इंटरवेनिंग टिश्यू नहीं होगी, इंटरवेनिंग टिश्यू यानी कि एमनियन और कोरियन नहीं होता, तो वो सिंपल एक टी बनता है, इन्वर्टेड टी। बट जो ये बनता है ट्विन पीक साइन, लैम्डा साइन, ये हमें ट्विन प्रेगनेंसी को डिनोट करता है। ठीक है, बाकी हम इसका जो प्लेसेंटल एग्जामिनेशन होता है उससे भी पता कर सकते हैं, ठीक है, कि प्रेगनेंसी कौन सी थी। फिर इसके बाद आते हैं मैटर्नल फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन। ठीक है, क्योंकि देखिए मल्टीफीटल गेस्टेशन, देखिए सिंगल फीटस है तो बॉडी उस हिसाब से कोप करती है, तो भी मैटर्नल बॉडी में कितने चेंजेस आते हैं, अब अगर वो फीटस 1 से 2 हो जाएंगे तो ऑफकोर्स डबल चेंजेस आएंगे। ठीक है, जो मदर है उसको जो है फिजियोलॉजिकल ज़्यादा बर्डन पड़ेगा अपना। ठीक है, मैटर्नल कॉम्प्लिकेशंस भी ज़्यादा होंगे उसके साथ। ठीक है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है, इंक्रीज्ड बीटा HCG लेवल्स हो जाते हैं। ठीक है, बीटा HCG लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है, तो इससे क्या होता है, पेशेंट को मोर नोजिया एंड वॉमिटिंग होता है, इसको हाइपरएमेसिस ग्रेविडेरम बोला जाता है। फिर आता है ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंशन। ठीक है, 50 to 60% रहता है मल्टीपल में, 40 to 50% रहता है इन सिंगल में। ठीक है, तो ब्लड वॉल्यूम एक्सपेंशन बढ़ जाता है। उसके बाद क्या, लो एक्सपेंशन होता है RBCs का। ठीक है, क्योंकि क्या हो रहा है, ज़्यादा रिक्वायरमेंट हो रही है आयरन और फॉलेट की, तो क्या एनीमिया के ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके बाद BP चेंज, 8th week के बाद जो होता है डायस्टॉलिक ब्लड प्रेशर होता है वो कम हो जाता है। ठीक है, जितना सिंगल प्रेगनेंसी में वो कम होता है उससे डबल जो होता है वो ट्विन प्रेगनेंसी में कम हो जाता है। ठीक है, और बार बार क्या होता है, जैसे जैसे टर्म आता है वैसे वैसे वो बढ़ जाता है। फिर है कार्डिक आउटपुट। कार्डिक आउटपुट में क्या है कि कार्डिक आउटपुट जो है सिंगल प्रेगनेंसी के कंपैरिजन में 20% बढ़ जाता है। उसके बाद क्या है, स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ जाती है +15% और हार्ट रेट भी 3.5% बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से कार्डिक आउटपुट भी बढ़ जाता है। फिर आता है पेरिफेरल वैस्कुलर रेजिस्टेंस। इसमें क्या है, ये जो है जो मल्टीफीटल प्रेगनेंसी होती है उसमें बढ़ जाता है ज़्यादा। ठीक है, ज़्यादा ब्लड को
क्या कहते हैं, फ्लो करने में प्रॉब्लम आती है, वेंस जो होती हैं उनमें डीप वेंस थ्रोम्बोसिस के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। यूटेराइन ग्रोथ, अब यूटेराइन ग्रोथ क्या है कि सिंगल फीटस ग्रो कर रहा है तो अलग रेट होता है, बट अगर जब वो डबल हो जाता है तो वो डबल रेट से जो है यूटरस जो है वो ग्रो करता है, ठीक है। उसके बाद जो है यूटरस और जो नॉन फीटल कंटेंट हैं वो 10 लीटर्स के वॉल्यूम तक पहुंच जाते हैं, ठीक है। फिर अब हम देखते हैं कि मल्टीफीटल गेस्टेशन को डायग्नोज कैसे करेंगे। सबसे पहले हम हिस्ट्री लेंगे पेशेंट की। हिस्ट्री में हम पेशेंट से पूछेंगे कि आपकी एज क्या है, पैरिटी क्या है, ठीक है, फैमिली हिस्ट्री कैसी रही है, ठीक है, कि फैमिली में कोई ट्विंस तो नहीं थे, इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, क्योंकि अभी मैंने बताया था जब भी हम इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट लेते हैं, ओव्यूलेशन इंड्यूस कराते हैं, तो उस टाइम पे प्रेगनेंसी मल्टीफीटल होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं उसके, ठीक है। उसके बाद नौजिया के स्टेटस की बढ़ा हुआ है, वोमिटिंग, ठीक है, वेट गेन हुआ है होगा अनयूजुअल, चेक करना है। कार्डियो रेस्पिरेटरी डिस्कम्फर्ट बढ़ जाता है, ठीक है, पैल्पिटेशन होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, उसको SOB बोलते हैं, ठीक है। ओवर डिस्टेंशन होगा एब्डोमिन का, उसके बाद फीटल मूवमेंट्स बढ़ जाएंगे, स्वेलिंग आ जाएगी लिम्स में, हेमरॉइड्स होंगे, वेरिकॉज वेन बताया था अभी कि विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है, पेरिफेरल वेस्कुलर रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो वेरिकॉज वेन के चांसेस बढ़ जाएंगे। उसके बाद क्लिनिकल एग्जामिनेशन में हम देखेंगे जनरल एग्जामिनेशन, तो उसमें हम देखेंगे एनीमिया और एडिमा। एब्डोमिनल एग्जामिनेशन में देखेंगे कि एक्सपेक्टेड हमें कैसे पता है, एक्सपेक्टेड हमें ऐसे पता कि जो पीरियड ऑफ एमेन्योरिया है, ठीक है, एमेन्योरिया यानी कि जो लास्ट पीरियड जाएगा, वो बोल रही मेरे को 3 मंथ्स पहले हुए थे, तो उस हिसाब से हमें पता है कि हमें हमारी फंडेसाइट कहाँ तक पहुँचेगी, बट अगर वो उससे ज़्यादा पहुँच रही है तो ट्विन प्रेगनेंसी के चांसेस होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमें दो फीटल हेड का पैल्पिटेशन होगा, स्पेशली दो अलग अलग क्वाड्रेंट्स में, ठीक है, या फिर दो फीटल पोल्स आपको पैल्पेबल होंगे। उसके बाद क्या है, फीटल हार्ट, आपको हार्ट रेट जो अलग अलग स्पॉट से सुनाई देगी और इसमें 10 बीट पर मिनट का डिफरेंस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, जो 42% है वो सिफेलिक सिफेलिक प्रेजेंटेशन होती है गेस्टेशन की, ठीक है, लाइव प्रेजेंटेशन में अगर हम देखें तो दोनों जो होते हैं सिफेलिक सिफेलिक जो होते हैं 42% होते हैं, ठीक है। फिर सिफेलिक ब्रिज, सिफेलिक ब्रिज यानी कि एक जो है बेबी उसका हेड नीचे है और दूसरे का ऊपर की तरफ है, तो वो तुम्हारा 27% होता है। सिफेलिक ट्रांसफर जो है वो 18% है, यानी कि एक बच्चा जो है उसका हेड नीचे यूट्रस की तरफ को है, दूसरा जो है वो ट्रांसवर्स लाइन में। फिर ब्रीच, ब्रीच यानी कि दोनों का हेड अप है, दैट इज़ 5% ऑफ प्रेगनेंसी। उसके बाद अदर्स में मिसलेनियस आते हैं, वो 8% है। उसके बाद हम सोनोग्राफी कराते हैं, ठीक है। तो जो सोनोग्राफी होती है वो सारे तरीके के ट्विंस को इजीली पता कर लेती है, ठीक है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हमें दो सेपरेट जी सैक देखने को मिलता है, हाई ऑर्डर प्रेगनेंसी में जो होता है वो डिफ़िकल्ट होता है, जैसे जैसे प्रेगनेंसी बढ़ेगी वो डिफ़िकल्ट होता है डायग्नोस करने में, ठीक है। फिर उसके बाद हमें क्या है, हम क्या क्या देखते हैं सोनोग्राफी से, फीटल नंबर कितना है, एस्टिमेटेड गेस्टेशनल एज कितनी है, ठीक है, कोरियोनिसिटी क्या है, एमनियोनिसिटी क्या है, फीटल वेट कितना है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ माई दिस लेक्चर। So hope you all guys like the video. So don't forget to like, subscribe and share my channel. And if you have any queries, please drop them in the comment section. So iske baad I'll be sharing with you part 2 and part 3. So part 2 mein hum ye dekhenge ki hum iska diagnosis karne ke baad management kaise karte hain twin pregnancy ka. And in third part we will see ki kaise jo complications aati hain wo kya kya aati hain.